गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 2 खेलों की दुनिया के पेज नंबर 13 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। हमने कुछ वीडियो में इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है, बहुत सारे खेलों के बारे में भी जान लिया है और हमने जो मेडल मिलते हैं उसके बारे में भी जाना है, ओलंपिक खेल के बारे में भी जाना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पेज नंबर 12 पे जितने भी खिलाड़ी थे उसके बारे में जाना था। तो आज पेज नंबर 13 पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज किस प्रकार से सहयोग कर सकता है? तो देखिए, मैंने इसके लिए इन प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर कॉपी पर लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। एक बार मैं फिर से इस प्रश्न को पढ़ रही हूँ। तुम्हारे विचार से खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज किस प्रकार से सहयोग कर सकता है? तो आप अपने विचार लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैंने आपके विचार से और अपने विचार से बिल्कुल मिलता जुलता क्या लिखा है कि मेरे विचार से खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज अपनी विचारधारा में, अपनी सोच में परिवर्तन लाकर सहयोग कर सकता है। उसके लिए जैसे कई बार देखा है कि कुछ माता पिता अपनी लड़की को खेलों के लिए बाहर भेजना पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं समझते, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें लड़कियों को खेलों में भाग लेने के पूर्ण अवसर देने चाहिए। और हमें एक तरफ क्या करना चाहिए, उस लड़की के माता पिता को अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि आप इन्हें खेलों में ज़रूर भाग लेने के लिए प्रेरित करें, और दूसरी तरफ हमें क्या करना है, लड़कियों की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम करना है। तो आप ऐसे इस बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कुश्ती का खेल आपको कैसा लगता है? तो आप बताइए, आपको कुश्ती का खेल कैसे लगता है? तो आप ये लिख सकते हैं कि आपको खेल बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लिख दीजिए, नहीं लगता तो नहीं लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कुश्ती का खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे ये भी पूछा गया, आपने कहीं पर देखा है? तो अगर आपने टीवी में देखा है तो ऐसे लिख दीजिए कि हाँ, मैंने टीवी में भी कई बार कुश्ती का खेल देखा है और आपके गाँव में भी होता होगा, ये इसकी प्रतियोगिताएँ भी होती होंगी, तो उस बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और स्कूल में भी कई बार प्रतियोगिताएं की जाती हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, और अपने गांव में भी मेले में आपने कई बार कुश्तियां देखी हैं। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी स्कूल की कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो ये इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि क्या आपने कभी अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ कुश्ती की है या कुश्ती का खेल देखा है, और यदि हाँ तो कहाँ पर आपने देखा है? अगर आपने देखा है तो लिख दीजिए हाँ, और नहीं तो फिर नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं, मैंने कभी कुश्ती नहीं की। अगर की है तो हाँ लिख दीजिए, नहीं की तो नहीं लिख दीजिए। पर हाँ, अपने दोस्तों के साथ मैंने मेले में कुश्ती का दंगल अवश्य देखा है, तो ये आप इस बारे में लिख सकते हैं। और अगर नहीं देखी तो सीधा लिख दीजिए, नहीं मैंने अपने ना तो मित्रों के साथ कुश्ती की है, ना ही मैंने खेल देखा है, जो आपको सही लगता हो। अगला प्रश्न, खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों जरूरी है? पौष्टिक खुराक क्या होती है, हेल्दी डाइट जिसे हम बोलते हैं, अच्छा खाना। तो आप बता सकते हैं कि खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत घंटे तक वो अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अच्छा खेल खेलने के लिए, और जब वो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनके शरीर से बहुत पसीना बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है, उनकी ताकत कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। तो उस ताकत को पाने के लिए जो उसमें उनको लगता है कि कमज़ोरी सी आ गई है, तो इसके लिए उनकी पौष्टिक खुराक का लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कि क्या तुम्हारे इलाके या आपके स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? तो आप बता सकते हैं कि हाँ, हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियां
अलग अलग खेल खेलते हैं। लड़के कौन कौन से खेल खेलते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। देखो मैंने ये लिखा है तो आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। देखो मैंने आपके लिए लिखा है लड़कों के लिए कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, पिट्ठू। तो और भी अगर आप कोई खेलते हैं तो उसका भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो लड़कियाँ वो क्या खेलती हैं, लुका छिपी, टापू, गीटे, खो खो, ये जो और भी अगर आप कोई खेल का नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इन प्रश्नों के बाद आपके पास यहाँ पर ये एक दे रखा है, चित्र दे रखा है और इनमें आपने खेलों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले आपका कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, क्रिकेट का। ये तो आपने देखा हुआ ना, टीवी पर देखते हैं, तो इस खेल का नाम क्या है, क्रिकेट। अब यहाँ देखिए ये कौन सा खेल दिखाई दे रहा है, बॉक्सिंग कर रहे हैं ये दोनों, तो इस खेल का नाम क्या है, बॉक्सिंग। और यहाँ देखिए ध्यान से देखिए ये क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये इस खेल का नाम है फुटबॉल। और यहाँ देखिए ये साइकिल चला रहे हैं, तो ये कौन से खेल का नाम हुआ, साइकिलिंग। आगे देखिए ये क्या कर रही है, तीर चला रही है, तो इसे हम कौन से खेल का नाम देंगे, तीरंदाजी, क्या बोलते हैं, तीरंदाजी। और उसके बाद ये देखिए खेल, ये है वॉलीबॉल, कौन सा खेल है, वॉलीबॉल। और आगे देखिए ये तो अभी हमने बात भी की थी, कुश्ती, कुश्ती का खेल आपने देखा हुआ है। और ये दौड़, दौड़ वाला, ये यहाँ पर ऐसी लाइन सी लगी होती हैं और यहाँ पर खिलाड़ी दौड़ लगाते हैं। और ये देखिए इसके हाथ में बैडमिंटन है, ये बैडमिंटन का खेल इसका नाम रखा गया है, ठीक। उसके बाद आपने उन खेलों के नाम भी बताने हैं जो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं, यानी कि एक या दो खिलाड़ी होती हैं जिसमें। अब ये देखिए बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, ठीक है, इसमें एक खिलाड़ी भी खेल सकता है और एक से अधिक भी, दो भी खेल सकते हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि टीम में कौन कौन खेले जाते हैं, कितने जने टीम में, तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, एक से ज़्यादा टीम में ही माने जाते हैं, तो वो कौन कौन से खेल होते हैं, वो होते हैं खो खो, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। तो और भी अगर आपको कोई खेल का नाम याद आता है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, अगली वीडियो में हम अगले पेज को अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।